कतलों हलाव की जिंदगी दरगोर नौजवान उबरने सोन औलाद जेलन मज बड़न बड़न जुर्मन मज इतने कहीं बोझन वोल त्रावन वोल उठा और गायब हो गया एम खातिर कर अर्जदास तो एशियन सरजमीन इन मजलूम लुक तुम वो थोड़ अकिस सेकंडस करो इस कल बोल कुल खामोशी अल्लाह ताला कुन करो दुआ आखिर मासूम कत्ल गई परवरदिगारा तिमन कर जन्नत नसीब और आए दिनों और उस वक्त आज परवरदिगारा अब कोई मासूम कत्ल न हो इवन जो तुम पांच जनों की बिस्मिल्लाह या रहमान रहीम आज उस कह मौक तो इनार दिखान कई मौक और अगर साजगार माहौल ऐसे पत कर हाँ आलो पन्ने हम दर्दन शायद जाए बने यहाँ ये चीज़ जरूरी है मगर मजबूरी है नुमाइंद सरबरा बीडीसी सरपंच साहिबान बीडीसी चेयरमैन साहिबान सरपंच साहिबान पंच साहिबान जरूरत समझ यी कि सोन मुख्तर हमदर्दी सारे हिंदुस्तान रेडियो पर वना मन की बात दिल में जो उसके होता है कह देता है अपने लोगों से बहुत लोगों ने उसको एतमाद किया है करोड़ों लोगों ने मुल्क के उनसे दूबदू बात करता है आज हमारे मन की बात सुने मोदी साहब जहां आपका हिंदुस्तान पूरा मुल्क करोड़ों लोग कान धर के आपके मन की बात सुनते हैं वहां हमारी मन की बात ना आप सुनते हैं ना वो लोग हमारे मन की बात ये है हम दुखी हैं हम मजलूम हैं हम मजलूम हैं सारे इदारे खत्म कर दिए सुनवाई नहीं है क्या हम इस सरजमीन के लोग इसी जुल्म जबर के हकदार थे क्या महज़ हिंदुस्तान के कान बंद हैं आंखें बंद हैं जो न हमारे यतीमों की सुनते हैं न हमारे बेवाओं की सुनते हैं न हमारे बुजुर्गों की सुनते हैं हमारे गिरे पड़े लोगों की आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंचती है हम आज से मुल्क का वजीर आजम होने के नाते इसी मन की बात के जरिए दुखद में आपसे मायूस है इतने बड़े हिंदुस्तान में हमें भी सांस लेने का मौका दे बहुत आजमाया 70 साल में शेख अब्दुल्ला आए जनाब 47 में आपके साथ वो भी नाराज होके चले गए क्यों
चला गया। बाद में उसका बेटा वो आज भी नाराज, मरहूम मुफ्ती साहब आए आपकी जानिब आए, वाजपेयी जी ने विश्वास दे दिया उसको, वो भी नाराज होके चले गए, उनकी बेटी भी नाराज, मरहूम अब्दुल गनी लोन जिसने इस जमात का बेड़ा उठाया था जमहूरियत की बहाली के लिए, खुद मुख्तारी के तहफ्फुज के लिए, गांव और कस्बों के लोगों की इज्जत और वकार के लिए, कश्मीर को हिंदुस्तान में एक खुद मुख्तार रियासत देखने के लिए उसका खून भी बहा, वो मजारी शोदा में दफन है, वो भी नाराज होके चले गए, वो इस हद तक नाराज हो गए उनको बंदूक उठाना पड़ी, बंदूक बरदारों के हामी बने, उन नौजवानों के हामी बने जिन्होंने बगावत नहीं की लेकिन अपने गुस्से का इजहार किया था। आज जितने भी छोटे बड़े लोग हैं, चाहे लोन साहब का फर्जंद हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, शेख अब्दुल्ला का पोता हो, गुलाम नबी आजाद हो, वो सब आपसे नाराज, कोई राजी नहीं है। मोदी साहब मन की बात सुन लो, हमारी मन की बात, उनकी नाराजगी एक तरफ, उन्होंने धोखे खाए तभी ही खड़े, किस किस वजीराबा ने यहां धोखा नहीं खाया, शेख अब्दुल्ला से लेकर जो पॉपुलर बंदे से यहां बने मुफ्ती मोहम्मद सईद तक, किस किस लीडर ने धोखा नहीं खाया हिंदुस्तान में, क्यों खाया, क्या इतने बड़े हिंदुस्तान में आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि इस मुसलमान रियासत में एक मामूली अक्सरियत को आप अपने दिल से नहीं लगा सकते हो, सीने से नहीं लगा सकते हो, दावे हैं सिर्फ दिल और दिल्ली के दरमियान दूरी खत्म करने की, आए थे ना सब लोग आपके पास वहां जब आपने बुलाया ऑल पार्टीज में, आए थे ना, उनकी गलतियां एक तरफ, उनकी बात बात की बोलियां एक तरफ, उनकी अपनी नाराजगी एक तरफ, आप तो इतने बड़े हो, आपने क्या दिया वहां, क्या लौट के आए वो वहां से, ये एक दास्तान है मेरे लोगों। मैं उन लीडरों की बात नहीं करता हूं जो हिंदुस्तान के साथ रहे लेकिन लोगों के मन के खिलाफ रहे, मैं बख्शी को साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मरहूम बख्शी साहब, मैं सादिक साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे उन लोगों की उन लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं जो लोगों का एतमाद लेके आपके पास नहीं आए, उनके पास एतमाद नहीं था, जिनके पास एतमाद था जिन्होंने लोगों को आपके साथ लाया वो क्यों नाराज होके लौटे। आज आपसे इस स्टेज पे एक 40 साल मजलूम सियासी कारकुन आपसे सवाल कर रहा है, इतने बड़े हिंदुस्तान के वजीर आजम आपसे सवाल कर रहा है, नाराज क्यों है, देखते क्यों नहीं हो, हैदर पूरा हुआ, सजाद गनी लोन साहब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने आपको खत लिखा, ऐ मेरे वजीर आजम, खून बहा मासूमों का रात के अंधेरे में, लाशें वापस नहीं मिल रही है, एक बच्ची भुलकती हुई आपसे सवाल कर रही है, एक बालक लड़की यतीम आपसे सवाल कर रही है, मुझे अपने बाबा की लाश वापस दे दो, लाश वापस लाश तो दे दो, लाश के साथ क्या झगड़ा, जिंदू के साथ झगड़ा करो, लाश के साथ क्या
ले गया, क्या यतीमों पर हाथ नहीं रख सकते? आपने जहाज उड़ाए अपने मुल्क के, अपनी ताकत के जहाज उड़ाए। आप 1 करोड़ अरब 30 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस और मुफ्त राशन देते हो। क्या मेरे यतीम के सर पे, क्या मेरे बच्चे के मुंह में दूध का कतरा नहीं डाल सकते हो? मेरे सर यतीम के सर पे चुन्नी नहीं डाल सकते हो? एक शहीद के बेटे ने आपसे सवाल किया था कि मेरा बाप मारा गया, तब भी मैं आपके साथ हूं, वो मजारी शोभा में है, मैं आपको कह रहा हूं इंसाफ करो। अरे बात तो माननी थी ना वजीर आजम साहब, एक इसलिए मैंने आपको बुलाया था कि जो हमारे लीडर ने किया कहा हम उसको यहां इंडोर्स करते हैं। जब तक ना वजीर आजम खुद इंसाफ दिलाने के लिए जबान खोले, आपके इंक्वायरी कमीशन ने कहा आई वॉट हमें मंजूर नहीं, क्या होगा वहां कितने कमीशन बने, वजारतों में बने, जब यहां हुकूमत जी तब बने। एल जी साहब आप अपने वजीर आजम साहब से कह दो, आपकी जिम्मेदारी है सच बोलना, कह दो उनसे जुगाड़ करने से कुछ नहीं होगा, लोग नाराज हैं। अगर लोगों की जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत है, वो अलग बात। रख लो, रख सकते हो, ताकतवर हो, ना कर दिया सब लीडरों को या सरकारी प्रोपेगेंडा से, हर कोई दुनिया की नजरों में आपने उनको मुजरिम बना दिया। आप लोगों ने सब चोर, सब गद्दार, सब निकम्मे, सब कमजोर, सब लोगों के दुश्मन, वही लोगों का मसीहा ने क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ये लोग अकल के अंधे हैं, क्या ये लोग अकल के कमजोर है कि उनको नजर नहीं आता कि जो हमारे सरबराह थे सब गद्दार, सब चोर, सब निकम्मे, आज हमारी पसपाई हमको अपना हाल सुना रही, आज हमको अपनी पसपाई हमारा हाल सुना रही है। ऐ हिंदुस्तान के महजब लोगों, करोड़ों में वहां महजब लोग हैं, हम आपसे आज सवाल करते आओ देखो, जो कल एक मूर्ख था आपके साथ हाथ मिलाया आज टुकड़ों में बटा है, टुकड़ों में बटा है, कैसे आपकी इज्जत बनी है, इससे आपका सम्मान बना है, इससे हिंदुस्तान का नकाब बना है, नहीं बना है। आज आप नई नई चीजें हमको कहते, शाम को एक बात सवेरे दूसरी बोली, कम से कम इंसाफ करो लोगों के साथ, हम अमन के हामी हैं, हम रिकंसिलिएशन के हामी हैं, हम एतमाद देने और लेने के हामी हैं। एक पहलू यह है, आप इंसाफ करो तो तारीख बनेगी, नहीं करोगे ये छोटा आदमी आपको क्या नसीहत करेगा, क्या हो जाएगा, खुद ही समझ लो हिंदुस्तान वालों क्या हो। ये एक पहलू, दूसरा पहलू मेरे अपने लीडरों का, जहां हिंदुस्तान के जोमाओं ने मिठाई मुंह में डाल के हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, हाथ बढ़ा के हमारे गले में रस्सी बांधी, पांव आगे करके हमें जंजीरों और बेड़ों में पाबंदी सरासर किया, जहां आपके ताकत का ये हाल है, वो राशन भी खाई, गैस नहीं
सके, आप इज्जत नहीं दे सके, खरीदने का मूल है, अपनाने का मूल नहीं। जहां आपका ये हाल वहां हमारा ये हाल। ऐ मेरे रहे सहे जोमाओ, कश्मीर के मुंह बोले मुहिबो, राडारों के नीचे बड़े बड़े धावा करने वाले मेरे जोमाओ, क्या कल लाशों के दिन पे भी एक साथ नहीं बैठ सकते? क्या जनाजा एक साथ अदा नहीं कर सकते? कोई प्रताप पर, कोई जुनून, कोई अकेले बैठा है शेर कश्मीर पार्क में, क्या यह ताना नहीं है? क्या यह तमाचा नहीं है इस कौम पे? ऐ मेरी कौम के लोगों, ये इस्तकबाल के हकदार नहीं है, सवाल के हकदार। इनसे सवाल करो, छोड़ो 370 वापस ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, बड़ी बात। छोड़ो 35 से वापस ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, बड़ी बात। एक कल अपने इन मासूमों के जनाजे पर 3 आदमी एक साथ जनाजा भी नहीं पढ़ सकते थे ना? क्या नहीं पढ़ सकते थे? सवाल करो ना, गुस्सा गलत क्या वाला? ऐ मेरे लोगों बोलो, शेम शेम शेम, ये क्यों हमको धोखा दे? और कल जो आप भी थे हमारे रहबर, कल आप भी हमारे अमीर थे, तो ये नहीं हुआ? अच्छा अच्छा तो ही क्यों हो रही है? तो वो क्यों कारण में सोलो, तो वो अमीन की, तो वो सुना ये खोन में सुर नहीं हुआ, वैसे नहते नहीं कर, वैसे बेवलाद कर, वो वन तो ना तुझ का जिंदगी वापस होने दिया सुनियो, और कब आए दी हो तुझ वापस? उनसे पूछो जो वजीर आजम के दाए बैठते थे, होम मिनिस्टर के बाएं बैठते थे, प्रेसिडेंट के सामने बैठते थे, वही हमको कहते थे ये सुहाना हिंदुस्तान, यहाँ खुद मुख्तारी भी महफूज, यहाँ इज्जत भी महफूज, यहाँ जमहूरियत भी महफूज, अब यहाँ जान भी नहीं महफूज। ऐ मेरे लोगों, मेरे लीडरों ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा मुझे नहीं मालूम, मैं उनकी नीयत में शक नहीं करूंगा, जब हम मजलूम वो भी मजलूम, मगर अक्षीज में तो तुझ लू आपसे सवाल करूंगा। सारी मंजिल एक साथ जिसमें जोर जवाब आज क्या कोशिश की हिंदी मान का पलाश सा मान की ही नज नंगई चुसा मान नंगई नंगई चंदा चुसा की ही न जतु नहीं आज अगर ये हिंदुस्तान का सी क्या किन कर की ही न बस पानो जू को बेज क्या है क्या है जो बेचेगा मुझे बोलो। आजादी 47 में ली नहीं, खुद मुख्तारी लाई और गई, फिर 370 का तुदमा खड़ा किया, वो पहले खोखला हुआ, फिर ऐसे है जो उसमें कबा कूट ले गए एक ही दिन, फिर न कहीं अदालत न कहीं इंसाफ। अब ये जमीन के टुकड़े जिन पे आप कदम जमाए हो, इसके बगैर क्या बेच सकते हो? के हिकवाए मोरे कहीं सुवाई आज कर पे की वो लीडर थी इल्जाम का दरी हो काट कस आन कसन है वो अजी समझ इस कलन क्या नीन क्या है और तक्षु सुत्यूद बोर साहोकार सुचा पचान गदागरस सुपचान मेथने वीम लूक बिचे आज मत इलेक्शन दबो के हावन वोट सत मे बाजा करो इलेक्शन
میانو دویم مقصد اوس می یی موجود توی نه اتانی بیسو هاون الیکشنس من اس کاجر آج شنو پرسن گار کا پرسوی تم چھ بدل پوی نیوا کر کر ٹوک ٹوک کو مو الیکشن سوجی دی وایتے وہ کس دل کال تھوت باس کیس دہ نہ دہ انداز آدمی کا سردار کون بولے گا ان سار بھی ٹکتے ہو چلو آج اس مز کس کا افسر دیوا دفتر یہ کوئی آنے دیتا ہے کل جو افسر آپ کی چوکھٹ پہ ہوتے تھے آج ہم ان کی چوکھٹ گرج میں ہونا دماغ بس کہ دوئی قسم فطور کٹ زکر چی آج تھا جب تک آج کا ہندوستان نہیں بدلتا جب تک ان کا دل پسیج نہیں جاتا جب تک وہ حق ادائی پہ نہیں آتے تو اس دل نیت نہیں مرنا بھی ہے نصیب میں گدا گئی بھی نصیب میں اور بےعزتی بھی نصیب میں قوم کیا برداشت نہ کرے وہ اللہ فیصلہ کرے گا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نہ ہمارے لوگ بدلیں گے یہ تو ان خدا تعالیٰ یمن شعور دی یم سمجھ صحیح کیا چھ تو غلط کیا چھ پروپگنڈاس مز ان کی کتھن مز ان کی تب تک غلط ہی غلط ہوگا پہلیوں کہ چند مزور پیدا چھوئی وزن تو کری وہ رہی صحیح